इधर राज्य सरकार ने जो जेएमएम सम्मान योजना की घोषणा हुई और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई, बड़े संख्या में हमारी माताओं ने, बहनों ने, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उन्होंने जिस उत्साह के साथ के इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत किया, सरकार ने जिस तत्परता के साथ घोषणा के बाद इसे क्रियान्वित किया, वो हमको लगता है कि राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हम लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि ये आकांक्षित योजना लोगों के बीच में इतना पूरे ऊर्जा के साथ इसका स्वागत इस प्रकार से हो। शुरू में एक दिन, चूंकि एक साथ कई हिट्स हो रहे थे सर्वर पर, उसके कारण थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन तुरंत राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए न केवल उसे दुरुस्त किया, और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने उसकी अंतिम तिथि जो 10 तारीख तक थी उसको 15 तारीख तक बढ़ा देने का काम किया। हमारे इस प्रगतिशील योजना से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई। गलत फहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा है, उसी को दोहराने का काम किया, अनर्गल कई बातें उड़ाई। हम तो कल शुरू कर रहे थे, सुन रहे थे, हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये योजना जो लाया गया है इससे जनता कमाई करेगी, राज्य सरकार कमाई करेगी। 12,000 रुपये लगभग 50 लाख माताओं को, बहनों को हर साल पहुंचाने का काम राज्य सरकार यदि कर रही है तो ये तो उसके खाते से ही खर्च हो रहा है, क्योंकि अब बौखलाहट इतनी है। पहला शुरू किया था इन्होंने डेमोग्राफी पर, जब डेमोग्राफी का उनका पिटारा की सच्चाई सामने आ गई कि वो राज्य की चिंता नहीं कर रहे थे, वो धार्मिक भावना से खेल रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी न मुद्दे तय कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए पापों का हिसाब दे पा रही है, इसलिए राज्य सरकार के जो 100 से ज्यादा योजनाएं आज धरातल पर है उससे पूरी तरह से बौखला गई, विशेषकर महिलाओं के लिए। जो सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो,
जिसमें बहनों को, माताओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया, शैक्षणिक तौर पर सबल बनाया। जो बच्चियां आज विदेशों में जाकर पढ़ रही हैं और वहां पर नौकरी भी करने लग गई है पढ़ाई के बाद, जो आधी आबादी जो सशक्त हुई है यहां पर, जिसका हर स्तर पर सम्मान हुआ, हर स्तर पर उनको समृद्ध किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में जो उन्होंने महिला आरक्षण पे जो संसद में एक कानून इंट्रोड्यूस किया, अब उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन हम जो कहते थे, कहते हैं और कहेंगे, उनको हम पूरा भी करते हैं। 2014 के बारे में पूछे कि जो 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी तो 20 करोड़ नौकरियां तो हो जानी थी, लेकिन जो CAMI का जो डेटा है उसमें तो कहा गया कि कोरोना के बाद से अब तक 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, और वो भी सरकारी संस्था है। तो भाई वो बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री जिससे उनकी बातचीत हो सकती है, उनको इस विषय में उनसे पूछना चाहिए।